वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली बीते कई दिनों से पानी की किल्लत से जूझ रही है। एक ओर जहां पानी की बूंद बूंद को दिल्ली की जनता मोहताज हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर लोगों को पीने के लिए लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। वहीं बात की जाए तो इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली में बीजेपी लगातार पानी कटौती को लेकर आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए नजर आ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली में पानी की कटौती का कारण हरियाणा सरकार की तरफ से रोका गया पानी है, जिस वजह से दिल्ली की 2.5 करोड़ से ज्यादा जनता पानी की मोहताज हो गई है। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी एक अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठी हैं, जो कि बीते 4 दिनों से जारी है। वहीं मंत्री आतिशी का यह भी कहना है कि यह अनिश्चितकालीन धरना जब तक चलेगा जब तक दिल्ली वासियों को उनके हक का पानी नहीं मिल जाता। इसी बीच हमारे संवाददाता शुभ सेठ ने इसी सत्याग्रह में मौजूद आम जनता से पानी को लेकर आ रही दिक्कतों का मुआयना किया है। राजधानी दिल्ली में पानी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और अभी तक पानी की समस्या जो बढ़ी हुई है, जिसको लेके दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी जो है पानी सत्याग्रह कर रही है। इस समय अपने सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि दिखाए तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पे दिल्ली सरकार में मंत्री है आतिशी, वो यहाँ पे पानी सत्याग्रह कर रही है। ये लगातार 5-6 दिन हो चुके हैं जिसको ये सत्याग्रह यहाँ पे करते हुए नजर आ रही है। लेकिन बात करेंगे दिल्ली सरकार जिस तरह से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से जो है हरियाणा से पानी को रोका जा रहा है, जिसके कारण दिल्ली वालों को पानी की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे कुछ आम जनता मौजूद है, उनसे बात करिए, क्या उनके घर भी पानी की समस्याओं का उनका सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे कुछ महिलाएं मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? रानी मेहरा। कहाँ से आई है मैम? करोलबाग से। करोलबाग से आप आई है, जंगपुरा में है। क्या लगता है पानी की समस्या को लेकर जो ये सत्याग्रह कर रहे हैं, आपके एरिया में भी पानी की परेशानी है? पानी की परेशानी कोई नहीं है। पानी की परेशानी होती तो इतने सालों से पानी आ रहा है यहाँ पे, तो इतने सालों से क्यों नहीं परेशानी हुई है? अब जब से बीजेपी आई है, जब से बीजेपी के सारे 70 सीटें आ गई, तो पानी क्यों नहीं दिया जा रहा? आप भी आप काम नहीं कर रहे हैं, दूसरों को काम करने नहीं दे रहे हैं, तो आप बताइए, ये जवाब हमें देंगे? हमें जवाब दीजिए आप। आम आदमी पार्टी काम कर रही है बट ये काम नहीं कर रहे, ये कोई तरीका होता है? कभी आप सुनीति ईरानी को ले आते हो, कभी आपने देखा जमीनी स्थल पे किसी को आपने नेता बनाया? जितने भी आप देख लीजिए हमारे जो आम आदमी के नेता हैं, सारे जमीनी स्थल पे हैं और सब ही निचली वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है, SC ST वाले ही। बाकी आप देख लीजिए इनके, देखो आप स्मृति ईरानी हो गई, अभी आपने देखा है कि आपने जो हेमा मालिनी को, वो वहाँ काम कर रही है, कहीं कोई बीजेपी वाला काम नहीं कर रहा जितना आम आदमी काम करती है। सरकार में पानी की समस्याओं को लेकर जो है पानी से पानी की समस्याओं से परेशानी हो रही है। क्या कहेंगे आप? एक महिला है, पानी की समस्या बहुत ज्यादा होती है, घर का काम करना हो या किसी चीज के लिए, जिस तरह से पानी की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? बहुत ज्यादा पानी की समस्या हो रही है हमारे करोलबाग एरिया में। अगर पानी जब ज्यादा बारिश होती है, बाढ़ आती है, तब छोड़ देते हैं पानी। हरियाणा से पानी आता है दिल्ली, जब चाहे बाढ़ आ जाए, ऐसे टाइम पे पानी नहीं दे रहे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र गेल है जी, पंजाब से मोगा से आए हैं। पंजाब से आप भी आए हैं, तो आपके भी यहाँ पता रहता होगा दिल्ली में जिस तरह से पानी की समस्या है, खबर तो आपको पता चल रही होगी काफी दिनों से दिल्ली में जो है पानी की समस्या हो रही है, क्योंकि हरियाणा की तरफ से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, उसको आप किस तरह से देखेंगे? देखिए ये जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार 15 साल से है, बीजेपी सरकार को बदनाम करना चाहती है, बीजेपी के हाथ पल्ले कुछ नहीं आ रहा, इसलिए लोगों का पानी खत्म कर रही है। जो सारी दिल्ली वालों लोगों के साथ सारा देश है, बीजेपी की जो घिनौनी हरकतें हैं लोगों के लिए, जो लोग मरु नीतियां ले रहे हैं, ये तो हम होने नहीं देंगे। दिल्ली वालों का पानी हम जला के रहेंगे। नीतियाँ जो बहुत माड़ी है, ये लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर लोग अच्छा काम करते हैं तो फिर बीजेपी को लोग वोट देंगे, अगर नहीं करते हैं तो केजरीवाल जी के साथ जाएंगे। अगर आप अच्छा बनना चाहते हैं तो लोगों को पानी रोककर थोड़ी अच्छा बना जाएगा।
समस्या बात करने के लिए। तो दिल्ली सरकार की जो जल मंत्री हैं आतिश सी, वो लगातार 5 दिन से जो है पानी की समस्याओं को लेके जो है प्रदर्शन कर रही हैं, जिस उनकी स्वास्थ्य को लेके जो दिल्ली सरकार की तरफ से जो डॉक्टर्स आए हैं वो तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से उनकी जो हेल्थ को चेकअप किया जा रहा है, ताकि जो बिना कुछ खाए पिए वो 5 दिन से लगातार यहाँ पर सत्याग्रह कर रही हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर लगातार यहाँ पर जाँच की जा रही है कि किस तरह से दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं यहाँ पर सत्याग्रह करते हैं, उनकी स्वास्थ्य की फिक्र करते हुए लगातार यहाँ पर जो चेकिंग की जा रही है। यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। तरह से यहाँ पे लगातार दिल्ली सरकार के जो जल मंत्री हैं वो पानी की समस्याओं को लेकर सत्याग्रह करें। देखना ये रहेगा कि बीजेपी और के खिलाफ जो ये सत्याग्रह करी है, कब तक दिल्ली वालों की पानी की समस्याएं सॉल्व होती हैं। एमके न्यूज़ के लिए दिल्ली से शुभ सेठ।